हेलो गाइस, आज हम आपको राजस्थान के उस अलवर में ले जाएंगे जहां बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। उस अलवर का महल आपको दिखाएंगे जो राजा बख्तियार सिंह 1793 ईस्वी में इसको तैयार करवाया था। और यहां पे काफ़ी राजाएं बने, लेकिन सबसे जो प्रतापी राजा थे वो तेज सिंह थे। राजा तेज सिंह बहुत ही अंग्रेज़ों से टक्कर लेने वाले राजा थे। और हम आपको बताएंगे कि 1892 में उन्होंने अपने 10 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाल लिया था। और उनकी एक ऐतिहासिक कहानी भी साथ के साथ बताता हूँ। जब उन्होंने एक अंग्रेज़ के शोरूम में गाड़ियाँ देखने गए तो वहाँ अंग्रेज़ उनको मजाक उड़ा के शोरूम से बाहर कर दिया था। उन्होंने उसी समय प्रण लिया और सारी गाड़ियाँ उसने राजा तेज सिंह ने खरीद लिया। ये अंग्रेज़ों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाया और बहुत ही बहादुर सिंचाई, सड़क, शिक्षा नीति को बहुत आगे बढ़ाने वाले राजा थे। आज उन राजाओं की कहानी आप सुन रहे हो जो शुरू से ही अपने देश के इतिहास में बहुत ही प्रतापी राजा हुए। और बहुत ही शांति यहाँ पे महसूस होगा, इतनी गर्मी में भी आप यहाँ देख रहे हो, बहुत ही शांति है और ठंडक सी महसूस हो रही है। और सामने आप देख रहे हो कि ये गुम्बद है, शानदार गुम्बद है। इस कलाकृति को आप कम ही जगहों पे देख पाओगे जो राजा महाराजा अपने शौक से शौकिया महल बनाया करते थे। और आज इतिहास को फिर से मैं दिखा रहा हूँ जो राजस्थान के अलवर में है। इसका नाम उलवर था और राजा तेग सिंह ने वहाँ मुझे घूमना है, इसका नाम अलवर रखा। और तब से यहाँ पे अलवर का राजा ही कहलाए। 1947 में जाकर के इस राज्य महल को राजा के द्वारा छोड़ दिया गया। और यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनका अब यहाँ कब्जा हो गया। फिर कभी हम आपको विशेष तौर पर इस राजमहल की कुछ ऐतिहासिक जानकारी बताएंगे। बहुत ही सुंदर और शानदार जगह है, यहाँ आप सब आएँ और पर्यटक को बढ़ावा दें। राजस्थान के अलवर में यह राजमहल सिटी पैलेस के भी नाम से जाना जाता है। फिलहाल यहाँ पे गवर्नमेंट अपना इस तरह से, सामने आप ऊंचाइयों पे देख रहे हो, एक टीला सा बना हुआ है जहाँ राजाओं अपने शौक के लिए अलग से सुरक्षित जगहों पे सांस्कृतिक प्रोग्राम किया करते थे। यहाँ पे आपको गाइड दिखवा रहे हैं कि किस साइड में रानियों का महल था और किस साइड में राजा बैठते थे और कहाँ पे दरबार लगती थी। ये सामने सभी अधिकारियों का ऑफिस है। और फिलहाल सरकार द्वारा देख रेख की जा रही है। जय श्री राधे।